कल सुशांत का जन्मदिन जिस तरीके से पूरे देश और विदेश में मनाया गया, काफ़ी सारे इवेंट, काफ़ी सारे जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुवाहाटी हो, हर जगह बहुत ही लोगों में जोश था। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जोश था, सोशल मीडिया पे अनगिनत ट्वीट्स हुए, वो 7 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए थे। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि सुशांत के जो फैंस हैं वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और जब भी कभी मौका मिल रहा है तो एकजुट होकर के, एक साथ आकर के और अपनी आवाज़ को हंगामेदार तरीके से, मजबूत तरीके से ये मैसेज पूरे एजेंसी को, पूरे देश को जा रहा है कि सुशांत के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। कल हम लोगों ने दिल्ली में पहला जो कार्यक्रम था द्वारका में किया, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम भी आज़ाद नगर में हुआ, तीसरा कार्यक्रम जो था वो कनॉट प्लेस के शीपी में सेंट्रल पार्क में था। वहाँ पे पुलिस ने हमें रोक दिया कार्यक्रम करने से, म्यूजिकल इवेंट था, पुलिस के साथ काफ़ी बकझक हो गई। पुलिस का ये रवैया पहली बार ऐसा दिल्ली में हुआ कि, और पुलिस से मेरी बात भी हुई उनके उच्च अधिकारियों से, लेकिन कल रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। हमेशा से पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन कल जिस प्रकार से असहयोग का रवैया था उनका, वहाँ पे हजारों लोग बैठे थे उस पार्क में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मना किया गया कोविड का सिचुएशन का हवाला देते हुए। जबकि मैंने ये बोला कि वहाँ पे ऑलरेडी जो हजारों लोग बैठे हैं 10-10 के ग्रुप में, उन्हें आप नहीं हटा रहे हैं और हम सिर्फ थोड़ा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे को आप रोक रहे हैं। बकझक काफ़ी हुई, गुस्सा भी आया, उसके बाद लड़ाई भी हुई, वो सारा एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद हमने अपने टीम के सभी सदस्यों के सलाह से इस सारे प्लान को दूसरी जगह शिफ्ट किया, आईपी पार्क में। वहाँ पे वैसे तो लेट हो गया था, और लेकिन माहौल जो बना था कनॉट प्लेस में वो माहौल वहाँ बना नहीं, तो जितना मज़ा आना चाहिए था उतना आया नहीं। लेकिन हम अपने सभी दिल्ली के साथियों से अपील करते हैं कि बहुत ही जल्दी हफ्ते दिन के अंदर पुलिस की परमिशन के साथ हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे उसी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में। आप लोग मायूस ना हो, आप लोग हिम्मत के साथ रहें और उस कार्यक्रम को हम ज़रूर करेंगे, और इस बार पूरा हंगामेदार और पूरा मज़ेदार और सबको पूरे जोश के साथ आना है और हमें उस कार्यक्रम को करना है। दूसरी बात, कल एक चीज़ और मेरे मन में आई कि सुशांत के न्याय के लिए बहुत लोग हैं, अभी बहुत लोग हैं। हमें हमेशा हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ इवेंट करते रहना चाहिए ताकि सब लोग आपस में जुड़े रहें और ये ताकत भी लोग देखें। लोगों को, एजेंसियों को ये ताकत दिखानी ज़रूरी है कि सुशांत के फैंस एक हैं और एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीच बीच में कुछ कार्यक्रम हो, बीच बीच में आपस में मेल मिलाप हो, और वो मेरा ये मानना है कि हर 15 दिन पे कुछ होना चाहिए। और मैं इसकी शुरुआत करूँगा दिल्ली से। दिल्ली में हम लोग हर 15-20 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे ताकि सब लोग हम लोग मिलते रहें आपस में, और आपसी जो एकता है, आपसी जो सामंजस्य है वो बना रहे, और हम लगातार न्याय के लिए एकजुट होकर के लड़ते रहें। जल्दी ही नए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी दिल्ली में, और मैं पूरे देश के लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी कुछ ना कुछ 15-20 दिन पे एक बार ज़रूर एक साथ आएं, अपने शहर में इकट्ठा हों और अपनी आवाज़ को मजबूत रखने के लिए अपनी एकता बनाए रखें। आपस में बात करना ज़रूरी है, आपस में मिलना ज़रूरी है, आपस में सामंजस्य स्थापित करना ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आप मिलेंगे आपस में। तो ध्यान से देखते हुए हर चीज़ को और हमें करना है। जय हिंद।